ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଭିଟାମାଟିକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସୁଦୂର ଆସାମରୁ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଦେଇଗଲା ଅନେକ ଦୁଃଖ। ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ନିକଟରେ କରୁଛନ୍ତି ଗୁହାରି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗୁମା ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅକୁହା କାହାଣୀ। ଖୁସିରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆସିବାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଷଣା ହେଲା ଲକ୍ଡାଉନ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଗୁମା ଗ୍ରାମରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସାମ ଫେରିବାକୁ ପାଖରେ ନାହିଁ ଟଙ୍କା। ଏହାକୁ ନେଇ ଆସାମ ସରକାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। मैं आसाम से मार्च 15 को आया था और इधर 18 को पहुंचा, लेकिन हम लोग दो तीन दिन रह के वापस जाना था, लेकिन जो लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर वापस जाना पाया। लेकिन जो उड़ीसा राज्य में जो हम लोग का परिवार है उन लोगों के साथ में हम लोग किसी के घर में दो दिन, किसी के घर में एक मतलब एक महीना, किसी के घर में 10 दिन ऐसे रह के हम लोग जो अभी जाने के लिए सर हम लोग जो वापस आसाम हम लोग को जाना है, क्योंकि हम लोग आसाम में रहते हैं। फिर वापस हम लोग आसाम जाने के लिए हम लोग का अभी कुछ पैसा वगैरह कुछ नहीं है। मदद चाहती हूँ ये उड़ीसा राज्य का जो मंत्री लोग को, हम लोग को जैसे सही मत हम लोग को घर में पहुंचाने के लिए। हम यहाँ उड़ीसा में घूमने के लिए आया था, लेकिन इधर लॉकडाउन में फंस गया, अपना गांव वापस जाना है आसाम, तो हमारे पास अभी पैसा भी नहीं है। उड़ीसा सरकार को दरखास्त करते हैं कि हमें आसाम वापस जाने के लिए मदद करें। मोर लेबर डिपार्टमेंट तरफ हम टीम पठेगी, सहित कथबार्ता करूँ और जो जिल्ला को समान आसाम रे जीवा पई चाहौचुंती तांको सहित मध्य कथाबार्ता करिवु। व्हाट एवर बेस्ट कैन बी डन आमे तार जेमती इवन व्यवस्था हे परिवो आ जेबे इस ट्रैवल केमती कोन करिवे व्हाट एवर सुविधा आमे करिकी तांको पठेया पे व्यवस्था करिवु। आसाम रो आसीथिबा परिवार वर्गंक मध्य रे दुई जण झियो रहिछंती जे युक्त 3 रे पाठ पढुछंती। एते दिन धरि बाहरे रहिबा द्वारा सेमानक पाठ पढारे मध्य व्यापक समस्या देखा दैछि। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପମ ସାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ସେମାନେ ଆସାମ ସୁରକ୍ଷିତ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଭିଟାମାଟିକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା ସୁଦୂର ଆସାମରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ଧରି ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମା ବ୍ଲକରେ। ଏମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆସାମ ପହଞ୍ଚାଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଦରଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।